हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि हमें स्पर गियर के न्यूमेरिकल्स चालू करना है और स्पर गियर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी फॉर्मूलेस लगेंगे वो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, है ना। एक अबाउट आई थिंक 18 to 20 फॉर्मूलेस थे जो प्योरली स्पर गियर के लिए हमें लगेंगे और जिन्हें हमने थ्योरेटिकली उनके कंसेप्ट से डिस्कस किया था, उनके टर्म्स क्या हैं उन्हें हमने अच्छे से समझ के लिया, है ना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। हम चालू करते हैं न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक से, एकदम छोटे छोटे, है ना, बेसिक लेवल से चालू करेंगे और फिर हमारी लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ एंड स्पीड ऑफ द ड्राइवर, है ना। हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ फाइंड आउट करना है और स्पीड ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की मतलब कि दो मेशिंग गियर हैं, है ना, दो मेशिंग गियर है, दोनों मेशिंग गियर में हमेशा जब भी प्रॉब्लम आप पढ़ो तो ये ध्यान में रखो कि गियर में जो हमारे मेशिंग गियर हैं उसमें पिनियन और गियर, अब हम जब भी कंसीडर करते हैं इस बात को, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि जो छोटा वाला गियर रहेगा वो पिनियन रहेगा और जो बड़ा वाला गियर है उसे हम गियर व्हील कहते हैं, राइट। और अगर प्रॉब्लम में स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि जो हमारा पिनियन है वो ड्राइवर है और जो हमारा गियर है, जो बड़ा वाला गियर है जिसका पिच सर्कल डायमीटर ज़्यादा है, वो फॉलोअर होता है, मतलब कि वो ड्रिवन गियर होता है, राइट। तो आइए पहले प्रॉब्लम हम कंप्लीट करते हैं और पहले देखते हैं कि क्या ये बात दी हुई है कि ड्राइवर कौन है, और अगर नहीं दिया तो हमारा अजम्पशन यही रहेगा कि पिनियन इज ऑलवेज अ ड्राइवर। अच्छा भाई, सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ एंड स्पीड ऑफ द ड्राइवर इफ द ड्रिवन गियर हैज 60 टीथ। ड्रिवन गियर के ऊपर नंबर ऑफ टीथ 60 है, 60 ऑफ 8 mm मॉड्यूल, और उन टीथ्स का मॉड्यूल जो है वो 8 mm का है, और ड्राइवर की स्पीड भी दी हुई है, ड्राइवर एंड रोटेट्स एट 240 rpm, 240 rpm, फुल स्टॉप। ऑल्सो कैलकुलेट द पिच लाइन वेलोसिटीज, पिच लाइन वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है, और पिच लाइन वेलोसिटी मतलब कि हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है ना। पिच लाइन वेलोसिटी हमने पिछली क्लासेस मतलब एसी में हमने थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था कि पिच लाइन वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी वी होता है और वो इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, है ना, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन। अच्छा भाई, ये बात दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1/4, वेलोसिटी रेशियो 1/4 दिया है, यहाँ प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। अब प्रॉब्लम हमने पूरा पढ़ा तो हमें तो ये कहीं नहीं दिया है कि ड्राइवर कौन है और ड्रिवन कौन है, राइट। अब ये अगर कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमारा अजम्पशन यही रहेगा कि जो पिनियन है वो ड्राइवर है, जो पिनियन है वो ड्राइवर है, राइट। तो अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में से जो भी दिया हुआ डेटा है उसे एक साथ निकाल लेंगे हम, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे निकाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हमें क्या-क्या लगेगा तो हमारा पाथ ऑफ अप्रोच हमें पता चलेगा, राइट, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अच्छा भाई, तो अब ये तो पता चला कि हमारा पिनियन ड्राइवर है और जो बड़ा वाला व्हील है दैट इज गियर बोलेंगे उसे, तो वो हमारा फॉलोअर है या फिर ड्रिवन है, राइट। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीथ एंड स्पीड ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर पिनियन है, पिनियन का नंबर ऑफ टीथ और पिनियन का नंबर ऑफ स्पीड ये फाइंड आउट करना है। तो पिनियन का नंबर ऑफ टीथ TP कह देंगे हम, पिनियन की स्पीड NP कह देंगे, ये दोनों बातें हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और इफ द ड्रिवन गियर हैज 60 टीथ, ड्रिवन गियर मतलब कि बड़ा वाला गियर, है ना, ड्रिवन गियर TG कह देंगे हम, उसके ऊपर 60 नंबर ऑफ टीथ है, ड्रिवन गियर मतलब कि बड़े वाले गियर के ऊपर नंबर ऑफ टीथ 60 दिया है और मॉड्यूल दिया है, जो मॉड्यूल है वो 8 mm का है, मॉड्यूल कितना है 8 mm का, और मॉड्यूल का हमें मालूम है कि मॉड्यूल इज नथिंग बट D/T, राइट ना। ये एक्सप्रेशन तो हमने पिछले फॉर्मूलेस में भी देखा और जब हमने थेरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था तब भी देखा है कि किसी भी टीथ का मॉड्यूल जो होता है वो पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ होता है, राइट। तो मतलब कि अगर हम कहें कि पिनियन का मॉड्यूल तो वो पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन DP अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन TP होगा, या फिर अगर हम उसे गियर के लिए यूज करें
तो वो मॉड्यूल एम इक्वल्स टू डी जी अपॉन टी जी होगा, डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर हो जाएगा, राइट। और जनरली मेटिंग गियर्स का मॉड्यूल सेम होता है। अच्छा भाई, और इसके बाद दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो दिया है 1/4। हमने इस कंसेप्ट को हमारे थ्योरी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। जनरली ये वेलोसिटी रेशियो दो मेटिंग गियर्स का स्पीड का रेशियो होता है, नंबर ऑफ टीथ का रेशियो होता है, डायमीटर्स का रेशियो होता है, एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो होता है, राइट। लेकिन सब में, इन सब में कुछ रिलेशन है। अब ये हमने कहा था कि ये हम हमेशा देखेंगे कि वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है, राइट। तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो दिया है 1/4, मतलब 1/4 मतलब कि 0.25, इसका मतलब कि वेलोसिटी रेशियो यहाँ 1 से कम दिया है। अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से कम दिया है तो क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो विल बी इक्वल्स टू, अगर स्पीड के टर्म्स में लेकर के आएँ तो वेलोसिटी रेशियो ये NG/NP लिख सकते हैं, है ना। दो बातें हो सकती हैं, अगर स्पीड के टर्म में लिखें तो हम उसे पिनियन की स्पीड अपॉन गियर का स्पीड लिख सकते हैं, या फिर गियर का स्पीड अपॉन पिनियन का स्पीड लिख सकते हैं। लेकिन सिंस वेलोसिटी रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब कि जिस गियर का स्पीड कम है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और जिसका स्पीड ज़्यादा है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर साइजेस अलग अलग हैं तो पिनियन तो छोटा है तो पिनियन की स्पीड ज़्यादा होगी, इसीलिए पिनियन को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो हमें फाइनल वेलोसिटी रेशियो क्या मिलेगा, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू NG/NP, राइट। अच्छा भाई, अगर 1 से बड़ा होता तो इस रिलेशन को हम उल्टा कर देते थे, राइट ना। बड़ी वाली स्पीड मतलब कि NP ऊपर होती थी, फिलहाल तो छोटी है। तो हमें फाइनल रिलेशन क्या मिलता है कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू NG/NP, है ना, जो दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो है उसके हिसाब से। नाउ इस बात को, इस रिलेशन को अगर हम यूज़ करें तो वेलोसिटी रेशियो तो हमें दिया है 1/4। तो अगर वेलोसिटी रेशियो 1/4 है तो NG/NP, अब स्पीड ऑफ गियर तो हमें दिया है 240 RPM, दैट इज ऑफ ड्रिवन गियर, और NP तो हमें फाइंड आउट करना है। तो NP, क्या हम इस रिलेशन को अगर सॉल्व करें तो NP हमें 240 × 4 मिलेगा, मतलब कि 960 RPM, स्पीड ऑफ पिनियन विल बी 960 RPM। और पिनियन अगर छोटा रहता है तो इसका मतलब पिनियन की स्पीड हमेशा गियर से ज़्यादा ही रहेगी, राइट। तो जो हमें एक बात फाइंड आउट करना था, स्पीड ऑफ पिनियन दैट इज NP, वो हमें मिल चुका है 960 RPM, राइट। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी, हाँ, दूसरी बात हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। अब वेलोसिटी रेशियो का स्पीड में और नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में हमें रिलेशन मालूम है कि NG/NP, ये वाला रिलेशन, NG/NP जो होता है वो TP/TG के इक्वल होता है, राइट। NG/NP और नंबर ऑफ टीथ के टर्म्स में वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, दैट इज TP/TG। यहाँ न्यूमरेटर में NG है, यहाँ न्यूमरेटर में TP है, राइट। तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, कौन सा, NG/NP विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। और जब हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, और नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मिलेगा हमें 1/5, 15। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 6060 दिया है, राइट। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, पिनियन अब छोटा है तो इसका मतलब उसके ऊपर तो जो नंबर ऑफ टीथ है वो कम ही होने चाहिए, तो वो कम हमें 15 मिला है, राइट। दो बातें मिल चुकी। अब हमें फाइंड आउट करना है पिच लाइन वेलोसिटी। अब हमें पिच लाइन वेलोसिटी, हमारा बेसिक्स कहता है कि पिच लाइन वेलोसिटी वी जो होता है वो ओमेगा इंटू आर होता है। अब पिच लाइन वेलोसिटी आप पिनियन का कैलकुलेट करो या फिर गियर का कैलकुलेट करो, दोनों का भी पिच लाइन वेलोसिटी सेम होता है, दो मेटिंग गियर्स का पिच लाइन वेलोसिटी सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी उनकी सेम होती है। नाउ वेलोसिटी वी इक्वल्स टू ओमेगा पी इंटू आर पी, ये पिनियन के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। अगर हम
गियर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो भी हमें उतना ही मिलेगा। तो भाई हमें ये तो मालूम है कि जो ओमेगा पी होता है वो जो ओमेगा होता है वो 2πn/60 होता है, और पिनियन के लिए वो 2πnp/60 कह देंगे हम, और हमें चाहिए रेडियस ऑफ पिनियन। तो अब रेडियस ऑफ पिनियन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास मॉड्यूल तो दिया हुआ है, तो इस बात को हम यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कि जो मॉड्यूल होता है वो पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन होगा, है ना। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो मॉड्यूल तो हमें दिया हुआ है 8, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन हमने फाइंड आउट किया, तो इस बात को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डायमीटर ऑफ पिनियन, और रेडियस ऑफ पिनियन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 120 mm अगर हमें डायमीटर ऑफ पिनियन मिलता है तो उसे हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर रेडियस उसका आधा हो जाएगा, और उसे जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा पिच लाइन वेलोसिटी। ये इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा पिच लाइन वेलोसिटी, राइट। सो दैट इज द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं और एक न्यूमेरिकल। सो द प्रॉब्लम इज कैलकुलेट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट रेशियो। ये तीन बातें फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट रेशियो व्हेन ए पिनियन हैविंग 23 टीथ। अब हमें दिया है कि पिनियन में 23 टीथ है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन कह देंगे हम TP 23, ये बात दी हुई है एक साथ एक साइड में हम लिख लेंगे। सो व्हेन अ पिनियन हैविंग 23 टीथ ड्राइव्स अ गियर हैविंग 57 टीथ, और जो पिनियन है वो ड्राइवर है और जो फॉलोअर है या जो ड्रिवन है वो गियर है और उसके ऊपर 57 टीथ है, ये बात भी दी हुई है। द प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री, प्रेशर एंगल फाइव 20 डिग्री दिया है। मॉड्यूल 8 mm, मॉड्यूल 8 mm दिया है, एंड अडेंडम इक्वल टू 1 मॉड्यूल, और जो अडेंडम है जिसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं वो अडेंडम a इक्वल्स टू 1 मॉड्यूल है, मतलब कि 1 टाइम m, मतलब कि अडेंडम जो है वो 8 mm भी होगा, है ना। मॉड्यूल 8 mm हमें दिया है उसे हमने लिख लिया, अडेंडम इक्वल्स टू 1 टाइम्स मॉड्यूल, तो 1 × 8 8 mm, तो क्या हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल और अडेंडम सेम है, राइट। अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा भाई, तो हमें पहली बात फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, और हमने हमारे फॉर्मूले में देखा है कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो इस रिलेशन से हम फाइंड आउट करते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस को ऐड करके, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस ऑफ स्मॉल आर प्लस आर साइन ऑफ फाइव, राइट। तो इसका मतलब हमें ये सब टर्मिनोलॉजीज निकालनी पड़ेगी। अब पहले हम सबसे पहले मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। मॉड्यूल जो होता है वो m इक्वल्स टू d/t होता है, पिनियन के लिए वो dp/tp हो जाएगा। मॉड्यूल हमें दिया है 8 mm, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन हमें दिया है 23 mm, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन 184 mm, तो अगर डायमीटर मिला है तो पिच सर्कल रेडियस तो 92 mm मिल जाएगा, है ना, डायमीटर का आधा रेडियस। ये हमें रेडियस स्मॉल r किसका मिला, पिनियन के लिए। अब स्मॉल r में अगर हम अडेंडम, दैट इज अडेंडम के अंदर अडेंडम को ऐड करेंगे a, तो हमें ra मिल जाएगा, दैट इज अडेंडम सर्कल रेडियस फॉर पिनियन। तो हमें स्मॉल r 92 मिला है, उसके अंदर हम 8 mm ऐड करेंगे तो हमें मिलता है ra, दैट इज पिच सर्कल रेडियस, सॉरी अडेंडम सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन इक्वल्स टू 100 mm। तो हमें स्मॉल r और कैपिटल r, सॉरी स्मॉल r और स्मॉल ra पिनियन के लिए मिल चुके हैं, राइट। और फाई की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली दिया है 20 डिग्री, इसका मतलब हम पाथ ऑफ रिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें कैपिटल R और कैपिटल RA की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सेम रिलेशन यूज़ करते हैं। हमें मालूम है कि जो हमारा मॉड्यूल है वो d/t होता है, और वो गियर के लिए जब यूज़ करेंगे तो dg/tp हो जाएगा, तो सॉरी dg/tg हो जाएगा, और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर दैट इज tg 57 दिया है,
मॉड्यूल तो हमें 8 mm है, तो इस रिलेशन को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, सॉरी पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर, एंड कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू हमें मिलेगी 456 mm. नाउ 456 mm का जब हम आधा करेंगे तो हमें कैपिटल आर मिलेगा 228 mm. अब ये क्या है, रेडियस है, पिच सर्कल रेडियस बड़े वाले गियर के लिए कैपिटल आर. और इस पिच सर्कल रेडियस में जब हम अडेंडम की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब कैपिटल आर प्लस ए, तो हमें कैपिटल आर ए मिल जाएगा. और कैपिटल आर ए क्या है, अडेंडम सर्कल रेडियस बड़े वाले गियर का, दैट इज फॉर गियर. और वो वैल्यू हमें फाइनल मिलती है आर ए इक्वल्स टू 228 + 8, दैट इज 236 mm. अच्छा भाई, तो अब हमें पिनियन के सब टर्म्स के वैल्यूज मिल गए और गियर के भी मिल गए, तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट. हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस अंडर रूट ऑफ आर ए स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ आर प्लस कैपिटल आर साइन ऑफ फाई, वेयर फाई जो है वो प्रेशर एंगल है और बाकी है कैपिटल आर ए कैपिटल आर स्मॉल आर ए स्मॉल आर, इन सब की वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट करके रख दी है. तो अब जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, एल पी सी लिख दूँ चलेगा, है ना, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू 39.78 mm. नाउ बात करते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की. अब अगर हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मिला है तो हमने फॉर्मूले में देखा है कि जो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे कॉस फाई से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाएगा. राइट, तो भाई लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हमें 39. अब आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन कॉस ऑफ फाई. लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट हमें 39.78 मिल चुका है. कॉस ऑफ फाई मतलब कि कॉस ऑफ फाई हमारा प्रेशर एंगल है और वो हमें दिया हुआ है 20 डिग्री, तो इसे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 39.78 अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री हमें वैल्यू देता है 42.33 mm. तो क्या हम कह सकते हैं कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो है हमारे पास, फाइनल आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 42.33 mm. तो हमें फर्स्ट वेट लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना था, हमें लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट मिल चुका है, हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट करना था, हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिल चुका है. और जो हमें थर्ड वेट फाइंड आउट करना है, दैट इज कॉन्टैक्ट रेशियो. अब देखो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहले फाइंड आउट किया तो हमें आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट मिला. आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट रेशियो, हमने फॉर्मूले में देखा है कि कॉन्टैक्ट रेशियो कुछ नहीं तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच होता है, पीसी. पीसी को सर्कुलर पिच हमने पहले देखा है कि इसका फॉर्मूला क्या है, सर्कुलर पिच पीसी इज पाई इंटू एम, है ना. सर्कुलर पिच पीसी क्या होता है, पाई इंटू एम, पाई तो कांस्टेंट हो गया और जो एम है वो मॉड्यूल होता है. राइट, तो कॉन्टैक्ट रेशियो इज आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अपॉन सर्कुलर पिच. आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमें मिल चुका है 42.33 अपॉन सर्कुलर पिच पी सी कितना है, पाई इंटू एम. एम की वैल्यू जब हम 8 पुट करेंगे तो हमें पाई इंटू 8 मिलता है, और इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू 1.68, है ना. 42.33 अपॉन 8 पाई गिव्स मी 1.68, सो द कॉन्टैक्ट रेशियो इज 1.68. अब कॉन्टैक्ट रेशियो क्या स्पेसिफाई करता है, कि कितने पेयर ऑफ टीथ ये कॉन्टैक्ट में हैं और ये बात कितनी फेजिबल है कि 1.68 पेयर, है ना. पेयर है तो या तो वन पेयर होगा या फिर टू पेयर होगा, है ना, वो तो एक पूरा नंबर ही होगा. तो 1.68 न कहते हुए क्या हम कह सकते हैं कि
एक तो पूरी तरह से कांटेक्ट में है और एक का कुछ पार्ट, 68% पार्ट कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब लगभग दो पेयर ऑफ टीथ कांटेक्ट में है, राइट। तो कांटेक्ट रेशियो हमें कितना मिलता है, 1.68 कैलकुलेशन के बाद, लेकिन हम कहेंगे कि कांटेक्ट रेशियो इज 2, दैट मीन्स 2 पेयर ऑफ टीथ आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक। सो दैट वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। थैंक यू।